मुरादाबादी दाल समोसे के साथ टेस्ट तो अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट टेस्ट। शुभम भाई इसका क्या करते हो आप? हफ्ते में बंदर। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे काले बंदर। रेस हो रही है यहाँ पे, पार्क में खेल रहे हैं अच्छे बड़े। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई रात को इतनी जबरदस्त नींद आ गई ना, बहुत बड़ी। सवेरा हो गया, सनराइज तो कब का हो चुका, सामने देखो व्यूज। तो भाई तैयार हो गया, बाल तो ऐसे हो रहे हैं, अब बिजली थोड़ी कम आवे ना, ड्रायर सही ना चल रहा था, मौसम हो रहा फर्स्ट क्लास बढ़िया। और ये देखो पब्लिक फोटो शूट करा के आ रही है वहां से, चश्मा लगा लगा के। हो गया फोटो शूट भाई, हो गया। तो हमारा कौन करेगा? तो हम कपड़े तो पहले खुद नहा हो गए, तैयार हो गए ठंडे पानी में हम नहाए। तो करेंगे डार्लिंग, करेंगे, अभी कहाँ खत्म हो गए हैं। तो अपने पॉइंट एकदम नीचे खाई में गिरे, ठंडे पानी में नहाए हम, सब गर्म पानी में नहाए, दो चिकने हो रहे, मेरा मुंह भी ना धोया। ये जिम्मेवार है सब भैया, मेरे साथ कांड ही होता भाई। विंटर इज कमिंग भाई, ने न्यू रील डाली है, जाके चेकआउट करो, शुभम शंकर धर। यश प्रकाश सर कैसा हो रहा है, सन बात कैसी मिल रही है आपको? इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी सनी वेदर। तो यहाँ पे एक बात है, कुछ भी कहो, शांति है ना पहाड़ों में, मतलब जो एक पीस जो आपको एहसास होता है, आप अपने इंडिया में भी टाइम से उठते हो सब कुछ, बट क्लीन वेदर के साथ क्लीननेस और फिर जो यहाँ पे जो एम्बियंस है उसके बीच में जो मजा है ना, मतलब देखो सबसे बड़ी बात दिखाता हूँ, सुबह उठने के बाद ये जो सामने का नजारा है विद प्योर ऑक्सीजन। क्या चीज? चप्पल जो मैं पहन के घूम रहा, पता नहीं भाई किसकी है वो, यहीं की। तो ये भाई बोलते रहे कुछ ना कुछ, तो टूर को अब दोबारा स्टार्ट करते हैं और ये ट्रिप खत्म होने वाली है और इतने टाइम के बाद हम सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सबसे मिले, ये सब कौन कौन है तो फाइनली मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हमारे ये है टेडी बियर भैया, इनका आप अपना नाम सर बताएं। ये मेरे बड़े भाई हैं निशांत भाई, निशांत शर्मा, ये शुभम शंकर सर, बहुत बार आप पहले भी आपने स्टेटस देखा होगा। तो ये हमारे शुक्ला जी, ये हमारे मतलब ज्ञानी भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, ये वो सब हैं तुम्हें। हाँ स्वामी नहीं है, स्वामी तुम्हारे हैं। ये शिवम सिंह चौहान, ये विधायक है हमारे, चाचा विधायक है ना ये, हाँ ये चाचा विधायक है। अरे दो फ्रॉस्टर अभी अंदर है, और एक हमारे हैं, हाँ वो तो इन्वेस्टर है, कल भी आपको दिखाया था जो आपको क्रिप्टो चेन के बारे में आपको बात कर रहे थे ना, वो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट है और उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो हम बैठते हैं जब भी, सारे डिस्कशन करते हैं अबाउट द इन्वेस्टमेंट, अबाउट, वो हमें गाइड करते रहते हैं। और शिवम सिंह चौहान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई कि फोन आना चाहिए, बस कार में लगा के बैठे रहते हैं, कहते हैं कि 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कैसा हो, बहुत मतलब डेस्परेट है कि मैं जो फोन की नहीं बचता, ये लोग वेट करते हैं कि भाई फोन बंद हो, ये इंतजार करते हैं फोन आए और मैं बात करूं, इसका इस्तेमाल करूं। ये अच्छी बात है, अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है भाई। सुबह से उठ के यहाँ पे चाय भी, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा भाई। तो भाई बहुत सारे फोटो अभी पीछे खिंचवाए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अपना बैग उठाते हैं फटाफट से, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे अपने, इनका रेस्टोरेंट एरिया है। यहाँ पे भाई लोग क्या व्यू बढ़िया है, अभी आप ब्रेकफास्ट करेंगे, पराठे खाएंगे, पराठे ऑमलेट, हम तो पराठे खाएंगे, आलू प्याज पराठे, पराठे दही और पोहा आ गया हमारा, और ऑमलेट आ रहे, अचार दही के साथ
तो अपना यहाँ पे गाड़ी वाड़ी अपना सामान रख रहे, बस निकलने को तैयार है। शुभम भाई इसका क्या करते हो आप, ये क्या है इलीगल काम, कहाँ से करने लगे आप? अरे नहीं वो रास्ते में बंदर। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे काले बंदर वो उसके लिए। चलो चले फिर, ऑल सेट। तो भाइयों बस अब निकलने की तैयारी हो रही है, और देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको व्यू, ये देखो क्या व्यू है यहाँ पे। और अब यहाँ लाए हैं हम गाड़ी अपनी बढ़िया, ऐसा करके लंबी यहाँ पे, अरे अबे गाड़ी लगाते हैं पहले लंबी करके, हाँ खींचते हैं। ओ अमन गाड़ी बैक करके यहाँ पे लाएंगे दोनों, ले लेना पूरा। वेंदर इसको बंद कर, तू उस वाले गेट पे चढ़, तो भाई निकल लिए हैं हमने, बहुत फोटो खींचे हैं इंस्टाग्राम पे, सब फोटो अपलोड करूंगा पहुंचने के बाद। मैं ऑन द रोड ज्यादा अपलोड करता नहीं हूँ, और पीछे हमारी गाड़ी चल रही है शुभम शंकर दर की। देखो यहाँ का रूट बिल्कुल कच्चा था जो हमारे, पर हाँ है मतलब जो भी है, पर मस्त था भाई। देखो मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आप इधर आ रहे हो रानी खेत में, लड़के लड़के आराम से आओ, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, अगर एक दो जने हो ना तो आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, बट रूट ऐसा है थोड़ा सा, और ये ज्यादा है नहीं, मुश्किल से आधा किलोमीटर का रूट है ऐसा। क्यों क्या क्या कह रहे हो शुभम सर? एकदम सही बात है। और कैसा रहा आज ये ट्रिप हमारा? बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास ट्रिप, ऑसम ट्रिप, मजा आ गया। क्या नाम है सर आप बताओ? बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। इफ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ सो यू शुड कम हियर, कम विजिट दिस प्लेस। नहीं मैं इस उसमें पूछ रहा हूँ कि जैसे इतने टाइम बाद हम सारे मिले भाई, पता एक तो मेरे लिए इतना होता है व्यस्त जीवन में दोस्तों का साथ मिले, बस इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वी आर फीलिंग सो रिलैक्स्ड। अब उसके बाद ये तो जो अभी बता रहे हैं वो तो ठीक है, भाभी की जो मार पड़ेगी वो तो कोई बताएगा नहीं, वो ब्लॉग जब तक खत्म हो चुका होगा। तो निशान सर का थोड़ा बुरा हाल जाने वाले होने वाला, तो निशान सर के बारे में तो आफ्टर ब्लॉग ही पता चलेगा क्या होने वाला है, पर आफ्टर इफेक्ट शायद हम दिखा पाए अगर हमारा दोबारा मिलना हुआ तो वो भी दिखाएंगे, आप देखना जरूर। अभी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा, क्या पड़ेगा अभी किनारे टू अगारा हैबिट आई एन इवन प्लेइंग गॉट अ रियली बैड हैबिट इफ इट मूव्स गॉट अ ग्रैब इट फ्यूज लाइक अ मैग्नेट लूज वोंट हैव इट टिल आई एम डूम्ड इन अ कैस्केट I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Yeah, Jabberjust view it. रोड देखो zigzag zigzag zigzag. ऐसी चीज़, और पता है यहाँ पर कि बरसात में हो ना, मैं पहले भी आया हूँ कई बार, जो मजा है ना इस रोड का अल्टीमेट। और पता है रॉ है ये जगह, क्योंकि यहाँ पे ना हर कोई नहीं आता। यहाँ पे पूरी मार्केट है यहाँ की रानी खेत की, तो जाम लग रहा है, बस यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं अब कहाँ पे हम पहुँच पाते हैं। क्योंकि सीएम सिंह चौहान को जाना है लखनऊ, और ये इन्होंने ट्रेन बुक कर ली है अपनी 5:45 की, 17:45 तो इन्हें, और वो मुरादाबाद से अब हम यहाँ से निकलेंगे, हमें 5 टारगेट है 5:30 बजे तक हमें मुरादाबाद पहुँचना है। अब आप बोलोगे कि भैया तुम इतनी दूर से गाड़ी चला के आए, तो तुमने घूमा क्या?
घूमना पहाड़ों में क्या, माल रोड क्या करना है, देखा हुआ है भीड़ भाड़ में रहना होता, यही है माल रोड। माल रोड पे चल रहे हैं, भीड़ भाड़ में रहना होता तो हमारे गाजियाबाद में इससे ज्यादा भीड़ है, वहाँ पे रह लेंगे, दिल्ली में रह लेंगे, शांति के लिए आए थे, पीस के लिए, वो मिलता भैया आउटस्कर्ट में, वो ही देख रहे थे। लेकिन अब देखो क्या बढ़िया है, अब वो मार्केट है, हमने देख ली, पैदल ही चले गए होते, आराम से सारे भाई बैठे, बातें करी, पुरानी सारी यादें ताजा करी, हंसी मजाक हुआ, और वहां से भी वादियां तो दिख रही थी, असली वादी तो वहीं से दिख रही थी, पिछले संडे आया था, तब तो उससे बात हो गई। बच्चों की रेस हो रही है यहाँ पे, पार्क में खेल रहे हैं बच्चे, बढ़ गया, एक ग्रीन होता, थोड़ा सा मौसम अभी ऐसा है ना ये ठंड वाला, भी जो गए थे इसे देखने आए थे, हमें भी कुछ खास तो लगा नहीं, बट स्टिल हाँ देखो, अगर तुम समर में आओगे तो एक ग्रीन लैंड मिलेगा, तो अलग ही यहाँ पर पूरा एलिवेशन लगेगा, पर अभी भी सुंदर तो देखो है ही, ये बच्चे खेलते कर रहे हैं। अरे भैया कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर बैटल क्राफ्ट ट्रेनिंग एरिया, कौन मार रहा है, और हम कैंची धाम के पास है, और जाम लग रहा है, वन साइड ही चली हुई है, वेट कर रहे हैं कब खुलेगा, 15 मिनट में खड़े खड़े यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 घंटा तो हो गया, 1 घंटे से इतनी लंबी लाइन लग रही है, हम तो कैंची धाम से निकल गए, और कैंची धाम की वजह से देखो कितना लंबा जाम है, गाड़ी रुक रही है कॉन्स्टेंट, अभी हाँ यहाँ पे जाके अभी यहाँ पे यार देखो धूल मिट्टी कितनी है, ऊपर जब नैनीताल से ऊपर हो जाते हैं, जब जाके थोड़े पेड़ साफ होते हैं तो धूल जमी पड़ी है, यहाँ तो सुंदर तभी लगता है जब हल्की से बारिश पड़ जाओगे, सफाई हो जाता है, हाँ अभी देख पत्तों की क्या हालत है, हमें नैनीताल इधर से जाना था, हम यहाँ से नहीं जा रहा, पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट थोड़ा ऐसा लग रही है, ऊपर चढ़ रही है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर बच रहा होगा, वो क्या वो हल्द्वानी, हल्द्वानी तो आएगा ही नहीं, 4.5 तो हल्द्वानी तो बाईपास कर दिया ना हमने, अच्छा अच्छा हल्द्वानी था पीछे, हाँ कट गए, तो भैया ये हम पहाड़ों से नीचे उतर के आ चुके हैं, और यहाँ से मुरादाबाद बचा है अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर के आसपास, तो 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो भाइयों फाइनली हम पहुंच गए मुरादाबाद, शिवम सिंह चौहान यहाँ से जा चुके हैं, और इतने भागम भाग पहुंचे, एक बार पुलिस ने भी पकड़ लिया हमें, और फाइनली उन्होंने हमें ट्रेन पकड़वा दी है, और वैसे पूछा भी नहीं, एक बार फोन करके पूछेंगे कि ट्रेन मिली नहीं मिली, और अब हम जाते हैं दाल कचौड़ी खाने, दाल समोसा, चलो दाल समोसा खा लेते हैं, वो सीएम सिंह चौहान की वो ट्रेन छोड़ गया, दूसरी लेंगे वो, हाँ जी क्या खाएंगे हम, खाएंगे दाल समोसा मुरादाबादी दाल, चलो मुरादाबादी दाल समोसे के साथ मजा ही आ गया भाई, टेस्ट तो अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट टेस्ट भाई, अगर मुरादाबादी दाल खा रहे हो ना तो समोसे के साथ खाना, अलग टेस्ट आएगा, हाँ जी
कॉलेज सामने आ गए हैं, गाजियाबाद पहुंच गए हम। प्रकाश सर को बाय बाय कहने का टाइम आ गया और अमन को एक एक करके सब विदा होते जा रहे हैं। तो मतलब घर पहुंचते हैं, ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, टूर भी खत्म हुआ। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और ये ट्रिप अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आगे भी ऐसे ही ट्रिप बनते रहेंगे और रेगुलरली अब ब्लॉग आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ जी, अच्छा ये भी लगे बामन, बोलो कुछ, बोलो कुछ बोलना चाह रहे थे। देखो आपसे 3 साल के बाद मिले हैं, हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हाँ। आप दूसरी बार जब आएंगे, हाँ। जब इससे अच्छे टूर पर जाएंगे, हाँ। बस आप मुंह मत बना के बैठा करो, एक काले काला सा। चलो ठीक है, ओके, चलो बाय बाय बाय। इधर भी एफसीटी से निकाल लेना है ना भाई। तो बाय बाय होगी भाई, चलो जी बाय बाय बाय।